तुम्हें कैमरा तार कैमरा लेके आता हूं। तो चाकू पकड़ो, चाकू आगे ऐसा आगे मत जाना। देखी सामने पत्थर मारो, पत्थर मारो भाई, पत्थर मारो, पत्थर मारो, पत्थर मारो, पत्थर उठाओ, पत्थर उठाओ गुप्ता जी, पत्थर उठाओ भाई, काटो ढंग से। अरे भाई बंदू क्या कर रहे हो? क्या हुआ भाई जी, क्या कर रहे हो आप लोग? कैंपिंग कर रहे हैं। कैंपिंग हो रही है भाई। अरे भैया कैंप करो, यहाँ रात को बाघ वगैरह भी घूमते हैं। तेंदुआ? हाँ, कल एक गाय को बाघ ने मार दिया यहाँ पे पास में ही। अच्छा जी। हाँ, बहुत रिस्की है, ध्यान से करना। जो हो गया बाहुबली का काम, बिना चीज के पिज्जा बनता नहीं है। सही बात है। ये काट लेगा, हम अटैकिंग मोड में है ये। वाओ, चीज कितने अच्छे से मेल्ट हुआ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए कैंपिंग ब्लॉग में। तो गाइस लोकेशन के लिए निकल चुके हैं, ये देखिए, और मेरे साथ है आज गुप्ता जी। जय हिंद दोस्तों। और गाइस देखिए लोकेशन, वहाँ से नीचे से हम आए हैं और ट्रैक करके हमको ऊपर जाना है, और जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं वो लोकेशन बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि बिना डेंजर लोकेशन के हम कैंपिंग कभी करते नहीं। वीडियो में फुल एडवेंचर होने वाला है रात को, और चलिए बस सीधा आप लोकेशन पे पहुंचते हैं, क्योंकि सनसेट होने वाला है बस थोड़ी देर में। चलो गुप्ता जी। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। तो गाइस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, आज जो अपनी कैंपिंग होगी वो इसी लोकेशन पे होगी। यहाँ पहले भी हमने कैंपिंग कर रखी है साथ में, और मैंने भी कर रखी है, इनके साथ भी की है। और गाइस यही लोकेशन लगी है, बस यहीं पे अपना जल्दी से टेंट को पिच करते हैं, क्योंकि सनसेट हो चुका है। वन फायर के लिए लकड़ी कलेक्ट करने के लिए भी जाना है। तो गाइस टेंट लगा रहे हैं, और विंटर के दिन है, ठंड होने लगी है, तो थोड़ी देर में अपना जैकेट पहन लेंगे। और गुप्ता जी को तो गाइस, गुप्ता जी तो ठंड के मारे इनकी तो कप कॉफी बन रही है। गुप्ता जी की तो दिखाओ एक सीख। भाई आपने तो फुल बाजू की पहन रखी है, मैं तो ये देख रहे हो हाफ, और वो भी समर वाली वो है टी शर्ट मेरी। अब सन्नी देओल भी तो तू ही बन रहे हो, तो ठंड भी तुम ही झेल लोगे। अब ठंड मैं थोड़ी ना झेल लूंगा, तो भाई बॉडी तुम दिखाते घूम रहे हो सर्दियों के दिन, वो तो भैया ठंड भी तो तुम ही झेल लोगे। जब भाई मुझे तो ना पता था कि तुम, हमें इतने टाइम लग जाएगा। जब तुम सनी देओल बनोगे तो ठंड भी तो तुम ही झेल लोगे। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में बोन फायर जलाएंगे, लकड़ी लेने चलते हैं इसके बाद, है ना। बस जल्दी से चलते हैं, लकड़ी कलेक्ट करना बहुत जरूरी है इस लोकेशन पे, क्योंकि गाइस इस लोकेशन से एक बार कैंपिंग छोड़ के भागना ही पड़ा है, क्योंकि लेपर्ड ने इधर से अटैक कर दिया था। अभी आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा कहाँ से लेपर्ड का ज्यादा खतरा है। बस टेंट तो अपना पिच हो चुका है, बैग बैग सब कुछ इसमें रखो, उठा के टेंट में। बोन फायर के लिए लकड़ी कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, उसके बाद अपना बोन फायर जलाएंगे, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है और थोड़ी देर में बस अंधेरा होने ही वाला है। तो गाइस हम जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए, और देखिए बंदर देखिए, कितने मंकी है सामने, ये देखिए पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, और इधर भी देखिए गाइस। रात की बोन फायर के लिए अपना लकड़ी का जुगाड़ तो गाइस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लकड़ी ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट है, और खासकर इस मौसम में, क्योंकि बारिश पड़ी है अभी, तो लकड़ी भी गीली है। और ये देखिए बैठे बंदर मंकी, देखो गाइस कैसे कर रहा है, देखिए देखिए कैसे कर रहा है, देखो 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 देखो, ये काट लेगा, हम अटैकिंग मोड में है ये। और गाइस बंदरों को परेशान नहीं करते, ये देखिए लकड़ी गुप्ता जी सूखी लग रही, लकड़ी तो सूखी है भाई, ये नहीं कटेगी, ये कटेगी नहीं लेकिन। तो गाइस आगे देखते हैं, और ये ज्यादा बड़ा पेड़ है, अगर आगे नहीं मिली तो इसे ही काटने की कोशिश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
लकड़ी बहुत हार्ड कट रही है क्योंकि ये चीड़ का पेड़ है। हो गया बाहुली का काम। भाई काटो ढंग से। अरे भाई बंदू क्या कर रहे हो? क्या हुआ भाई जी, क्या कर रहे हो आप लोग? कैंपिंग कर रहे हैं। कैंपिंग हो रही भाई। अरे भैया कैंपिंग वगैरह मत करो, यहाँ रात को बाघ वगैरह भी घूमते हैं। तेंदुआ? हाँ, कल गाय को बाघ ने मार दिया यहाँ पे पास में ही। अच्छा जी। हाँ, बहुत रिस्की है, ध्यान से करना जो भी करोगे। हथियार वगैरह तो आपके पास है, बाघ को थोड़ी ना पता कि हथियार है ये। नहीं, बात तो आपकी सही है। चलो भाई ध्यान रखेंगे हम भी। थैंक यू भाई इन्फॉर्म करने के लिए। तो गाइस लकड़ी लेके आ चुके हैं, सेटअप जमा दिया है अपना डिनर का भी। और देखिए टेंट पे लाइट कितनी मस्त लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है अपना टेंट। और गाइस हवा चलने लगी है, ठंड बहुत भयंकर है, विंटर के दिन है, पर जैकेट भी पहन ली है। अब सीधा बॉनफायर जलाते हैं। हो, ठंड भयंकर लग रही, हवा आ रही है भाई। भाई बिल्कुल यार, तुमने कान ढक लिए क्या? मैं अभी नहीं ढके। जल रही है, जल रही है। ये वाली लकड़ी उठा कर रखो गुप्ता जी, है ना? सारी सबको ऐसे जमा दो क्रॉस में करके। तो गाइस देखिए अपनी बॉनफायर कितनी मस्त चल चुकी है। बस गाइस इस लोकेशन पे बॉनफायर के सारे ही रुका जाता है, नहीं तो हिम्मत नहीं होगी। जितनी खतरनाक ये लोकेशन है, और आपको पता है यहाँ जो बंदा आया था वो भी हमें यहाँ वार्निंग देके चला गया है कि कल ही एक गाय को मारा है पास में। तो उससे भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि लोकेशन कितनी खतरनाक है। और यहाँ से एक बार हम कैंपिंग छोड़ के भाग भी चुके हैं, लेकिन कोई नहीं गाइस, चैलेंज है, रुकेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी तो टाइम 7 बजे है, अभी खतरा बढ़ना धीरे धीरे शुरू हुआ है। जैसे ही यहाँ 10-11 बजते हैं माहौल इतना डेंजर हो जाता है। तो गाइस बस अब अपना डिनर बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले काट लेते हैं वेजिटेबल को, क्योंकि ठंड बढ़ने पे है बहुत ज़्यादा, हवा चलने लगी है भयंकर, आग भी नहीं जल पा रही। तो चलिए पहले काट लेते हैं प्याज को। टॉपिंग करेंगे ना अच्छे से? अच्छा टॉपिंग के काम आएगी। यस यस। अच्छा बना क्या रहे हैं? टॉपिंग तो बोल दिया। तो गाइस आज हम बना रहे हैं पिज्जा, क्योंकि जो मैंने सोलो कैंपिंग की थी उसमें पिज्जा बनाया था। तो गुप्ता जी की डिमांड थी कि हमें पिज्जा बना के खिलाओ, और चलो आज तुम्हें पिज्जा बना के खिलाते हैं। और गाइस ये जो आप साइड में देख रहे हैं ना, आज हमने कैंपिंग में नया एक अपना इंस्ट्रूमेंट ऐड किया है, म्यूजिक सिस्टम। बजने में एक नंबर है, अभी आपको गाने भी सुनाएंगे। हम मल लेते हैं, मैदा लगा लेते हैं, क्योंकि पिज्जे का जो बेस है वो हम खुद ही तैयार करेंगे। हर किट से लोग लेके आते हैं जिसका पिज्जा बनाते हैं, वो हेल्दी नहीं होता, इसलिए हम बेस खुद बनाएंगे। तो गाइस आप अपना पिज्जे का बेस बनाते हैं। भाई मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। ओके देखिए कितना मस्त बनेगा आज अपना जो पिज्जा बनने वाला है ना गुप्ता जी। बेस ऐसे ही बनाते हो मैदे से? हाँ मैदे तो मार्केट से भी तो मिलता बेस यार। अरे वो हेल्दी नहीं होता, पता नहीं क्या क्या केमिकल रहते हैं उसके अंदर भाई। अच्छा जी ये मैदा है, इसमें हम आटा भी मिलाया है। सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट, इसके अंदर थोड़ा आटा भी है। अच्छा तो देखिए गाइस पिज्जे का अपना बेस तैयार है, बस ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें कर लेते हैं छेक। तो गाइस अब डाल लेता हूँ इस पर टमाटो केचप, और पिज्जा टॉपिंग सॉस मैंने पहले लगा दिया इसमें। ये हो रही है वेजिटेबल से टॉपिंग, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च। गुप्ता जी मजा आ जाएगा खाने में। बिल्कुल मेरे भाई, आप बना रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है टेस्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि पहले भी मैंने आपके हाथ का खाना खाया हुआ है यार, अच्छा बनाते हो। थैंक यू। तो गाइस अब डाल लेते हैं इस पर चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाले के बिना इसमें टेस्ट आता नहीं है। चाट मसाला तो जितना डालो उतना ही कम है। और ये क्या लाए हो जंतर मंतर का? ये है गुप्ता जी मोजरेला चीज। तुम तो पूरा इटालियन पिज्जा खिलाओगे आज। यस, क्योंकि बिना इस चीज के, ये देखिए, बिना चीज के पिज्जा बनता नहीं है। सही बात है।
अब वो भी भरपूर चीज, ये देखिए। हाँ मेरे को तो डबल चीज का मजा आएगा भाई, डबल चीज कर दो मेरे लिए तो। डबल ही हो रही है। हाँ ये देखिए भरपूर। तो गाइस अब डाल लेते हैं इसमें नमक, क्योंकि बिना नमक के ये पिज्जा बन नहीं सकता। ये नमक क्यों इसमें भाई? यही तो प्रोसीजर है इसका, बिना ओवन के। अच्छा हाँ, पिज्जा बनाने का तो नमक हीट जनरेट करेगा क्या? यस ओके। सराउंडिंग एरिया में पूरा चारों तरफ है ना। तो आग जला, इसका फ्लेम जला देता हूँ, गैस को ऑन कर देता हूँ, ये रख देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि इस पर हम प्लेट रखेंगे के इसके ऊपर। और देखिए म्यूजिक चल रहा है, धीमी आवाज में फुल एंजॉय गाइस, क्योंकि आवाज़ तेज नहीं कर सकते और कोई सॉन्ग चला नहीं सकते बॉलीवुड का या पंजाबी सॉन्ग, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। अब बस दूसरा बेस तैयार करता हूँ, दूसरे पिज्जे का। और गुप्ता जी, स्नो में कैंपिंग करने का प्रोग्राम बन रहा है जनवरी? हाँ जनवरी में चल रहा है। हाँ जी भाई भी अपने काम से कहीं जा रहे हैं, दिसंबर में वो बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, तो जनवरी, हाँ 10 जनवरी के आसपास हम लोग स्नो के लिए आपको जनवरी के लास्ट में टोटल हमारे चैनल पे आपको स्नो कैंपिंग की मिलेगी टोटल, और उसमें भी लाइव, ऐसे नहीं कि थोड़ी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, कैंपिंग भी ऐसी लोकेशन पे। फौजी भाई कोई अगर हमारे सब्सक्राइबर जाना चाहे हमारे संग तो चल सकते आ है? सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करें आप जाके, हम आपको लोकेशन बताएंगे कहाँ पे आना है, बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल। बस ये आग बुझ गई क्या गुप्ता जी? नहीं चल रही है, थोड़ा सा जला देता हूँ। बड़ी वाली टॉर्च जला लो, होल्ड करो, लाइट आवाज़ आ रही है, कैमरा चाकू पकड़ो, चाकू ऐसा आगे मत जाना भाई, इधर से आवाज है गुप्ता जी। वो देख इधर, वहां की आंखें है ना गाइस, देखिए सामने आंखें, पत्थर मारो, पत्थर जल्दी 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 पत्थर मारो भाई, शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ, सामने ही है वही था भाई, पत्थर मारो, पत्थर मारो, पत्थर मारो, पत्थर उठाओ, पत्थर उठाओ गुप्ता जी, पत्थर उठाओ, हट, आवाज आ रही है, देखो गाइस आवाज आ रही है भागने की, भाई 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 पीछे हो, पीछे हो, पीछे 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 चलो पीछे गाइस, जैसे ही हमने पत्थर मारा ना लेपर्ड सामने से भागा है, सामने से पीछे 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 हो फौजी भाई, पीछे हो, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आपके पास आ जाओ, आपके पास, यहाँ यहाँ खतरा नहीं है इतना भाई, सामने ही है गाइस, आवाज इधर से आ रही है और आंखें भी चमकी है, दिखा नहीं है क्या था, कोई तो था, अब ये पता नहीं जानवर कौन सा था, आवाज आई थी और आवाज आते ही हमने जैसे देखा वहां जाके, तो हमें आंखें नजर आई, कैमरे में भी आई होगी नजर, क्या करा जाए गुप्ता जी? नहीं बैठो आग के पास बैठो, ये आग को थोड़ा तेज कर लो क्योंकि आग बुझ चुकी है, ये इसको आग को तेज कर लो भाई, अगर यहाँ रुकना है तो। आवाज आई थी, कोई तो जानवर था लेकिन पता नहीं चला क्या था, क्योंकि आंखें तो उसकी चमकी, उसके बाद वो ऐसे गुजर गया, आवाज आई थी, आवाज आते ही हमने कोशिश करा देखने की भाई, लेकिन आवाज लेपर्ड सी थी, लेपर्ड की थी बट वो लेपर्ड नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा शरीर लगा नहीं मुझे उसका ना, वैसा थोड़ा सा हल्का सा फील हुआ कि वो छोटा, लेकिन ऐसे जंगल में गिद्दड़-विद्दड़ का तो मतलब है नहीं ना भाई यार, तो नहीं सकता, थोड़ा हमारा अच्छे से दिखाई नहीं दिया, हमारा बेसिकली क्या है ना म्यूजिक चल रहा था यहाँ पे, तो उस वजह से हमें ना प्रॉपर साउंड भी नहीं आया, और मतलब ऐसा लगा कि कुछ घुराने की सी आवाज आई, चलने की आवाज आई, क्या था, लेकिन गाइस ये है कि खतरा तो यहाँ है क्योंकि लोकेशन बहुत डेंजर है, तो यहाँ खतरा हर टाइम बना रहता है भाई, बस पिज्जा अपना जल्दी बनने वाला है, पिज्जा बना और सीधा टेंट में चलते हैं भाई, अब सीधा अपना टेंट में चलते हैं, पिज्जा बना लेते हैं, बस नमक भी गर्म होने वाला है, इसके बाद सीधा अपना पिज्जा बना के। दोस्तों ये हमारी हिम्मत है कि इतना साउंड आने वाला जंगली जानवरों का भी हम यहाँ बैठ के पिज्जा बना रहे, और अब तो गाइस आदत सी हो गई है, क्यों गुप्ता जी? लेपर्ड के साथ में ऐसा रहता है कि अब डर कम लगने लगा है, क्योंकि काफी बार, क्योंकि हम जो लोकेशन कर रहे हैं ज्यादातर सारी डेंजर इलाके में कर रहे हैं, और गाइस जहाँ पे मैंने अभी पिछली दो सोलो कैंपिंग की वीडियो डाली है ना, बात बिल्कुल उसी जगह की है जहाँ लेपर्ड ने अटैक किया था, और यहाँ भी लेपर्ड ने कुछ ही दूरी पे गाय को मार के गिर रखा है, आपको
सुबह दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो उन लड़कों ने भी बोला था कि हमें कि कोई गाय मारी है पीछे, तो हम सुबह आपको गाय और दोस्तों एक चीज और मैं बता दूंगा। तो गाइस अपना पिज्जा का दूसरे का भी बेस रेडी हो चुका है, बस इस पे अब टॉपिंग कर लेते हैं। और नमक गरम हो चुका है, इसको भी अब गाइस रख देता हूँ और इसको ढक देते हैं। तो प्रॉपर बर्तन नहीं होते ना, तो इसी तरीके से काम गुजारा करना पड़ता है। ये देखिए, ये हमारा जुगाड़, ये हमारा ओवन बन गया। तो जला रहे हैं कि पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो एक पिज्जा रखा है इसके लिए। ये पर धीरे धीरे गाइस आग नहीं है, नमक है, नमक से जो हीट पैदा होती है गर्म, उसके कारण इसे ऊपर से ढक रखा है, उससे हमारा पिज्जा अच्छे से सिकता है। क्योंकि यहाँ हमारे पास ओवन तो है नहीं है कि हम उसमें ओवन में डाला और 5 मिनट में पिज्जा रेडी हो जाए। तो देख लीजिए, ये देसी स्टाइल है, टाइम लेता है, आधा घंटा लेगा, लेकिन ओवन से भी बेस्ट बनेगा, एक नंबर बढ़िया। गुप्ता जी आग जलाओ, क्योंकि भाई अभी करीबन करीबन 2 घंटे लग जाएंगे। और टाइम की बात करूँ ना, जला रहा हूँ मेरे भाई। तो टाइम गुप्ता जी 9 बज चुके हैं, 9:10 हो रही है। यही तो खतरा है यार भाई। आप एक काम करो, मैं टॉर्च मारता हूँ, आप बैठो, चाकू मेरे को दे दो। लो ध्यान रखो, तुम बस ध्यान पे रहो गुप्ता जी, मैं इतना सिक्योरिटी करता हूँ। हाँ, और आप इसको रेडी कर लो। देखिए गाइस कितना मस्त बना पिज्जा, देखिए गुप्ता। वाओ अमेजिंग यार, मजा आ गया ये देख के। इसको काट लेता हूँ। काटो काटो, ये देखिए चीज कितना अच्छे से मेल्ट हुआ है भाई साहब। ऐसा लग रहा है बिल्कुल मक्खन की तरह कट रहा है, और इतना प्यारा मतलब टेक्चर आ रहा है उसका। सीरियसली इसके 4 पीस कर लेता हूँ। 4 नहीं, 2 ही कर लो। नहीं 4 कर लेता हूँ। अच्छा पूरा पिज्जा लग गया है। पूरा पिज्जा गाइस, इतना टाइम लगा है। ये लीजिए, इसको रख लेते, इसको उठा के उसमें रख दूँ ना, उसमें रखो बढ़िया ली में। ये लो गाइस, और गाइस उससे पहले इसको हम खाते हैं, पहले पहले दूसरा वाला पिज्जा रख देते हैं बनाने के लिए, क्योंकि गाइस टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, करीबन करीबन आधे घंटे से बहुत ज़्यादा लग गया टाइम। ये उम्मीद नहीं थी कि इतना टाइम लगेगा। एक्चुअल में ठंडा है, विंटर चल रहा है, बहुत ज़्यादा है। खाते हैं पिज्ज़ा। ओ यार मुझे सबर नहीं हो रहा। लो गुप्ता जी, वाओ चीज़ कितना अच्छे से मेल्ट हुआ है। ओ माय गॉड गाइस, देखिए कितना चीज़ी है, और देखो बिल्कुल अभी गरम गरम धुआं उठ रहा है। देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए चीज़ अमेजिंग अमेजिंग। ये देखिए दोस्तों, अल्टीमेट सही कहा था, मजा आ गया। डोमिनोज का पिज्जा भी भूल जाऊंगा खा के, मजा आ गया। तब तक इसे ढक देते हैं। ये देखिए चीज कितने अच्छे से मेल्ट हुआ गाइस। वह पिज्जा बनाने में यही तो क्वालिटी होनी चाहिए, पिज्जा बनाना आना चाहिए कि चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब तक गाइस ये बनता है तब तक इसको एंजॉय करते हैं। देखिए गाइस पिज्जे ने तो मजा मान दिया, कैसा लगा उपता जी? अल्टीमेट है ना गाइस, जो मेहनत करी है ना हमने, करीबन शाम के 6:30 बजे से लगे हुए हैं हम लोग। बिल्कुल क्यों उपता जी, और टाइम अब 10 बजे गए हैं। माहौल इतना ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन गाइस बाहर बैठना और रिस्क लेना, ऐसा पिज्जा खा के मज़ा आ गया, सारा वसूल हो गया। टॉर्च मारते रहो, खतरा बहुत ज़्यादा है, आवाज़ें आ रही है काफ़ी दूर से है, लेकिन आवाज़ें बस सीधा अपने टेंट में जाएंगे डिनर करते ही। तो गाइस डिनर अपना हो चुका है, पिज़्ज़ा खा लिया, मज़ा आ गया, और लोकेशन इतनी डेंजर हो चुकी है, किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है पीछे से खाई से। यहाँ बाहर बैठना मुझे 1% भी गुप्ता जी अब सेफ नहीं लग रहा। सीधा अपना डिनर फिनिश करते हैं और सीधा टेंट के अंदर चलते हैं, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 10:30 हो चुके हैं। बिल्कुल भाई, अपना आराम से सोते हैं। चले गाइस अब बस अपना टेंट में चलते हैं। जल्दी आ जाओ यार, आवाज़ें आ रही हैं बाहर से ना। तो चलिए टेंट बंद करते हैं, सब लाइट को तो लगे रहने देते हैं। हाँ लाइट लगे रहेंगे यार। Oh,
टेंट के अंदर आ चुके हैं, डिनर अपना हो गया है, एक नंबर मस्त पिज्जा बना था। गुप्ता जी नींद आने लगी क्या? अरे यार भाई थक गए, बहुत देर लग गई यार। तो गाइस बस अब अपना आराम से लेटते हैं, और जंगली जानवर की आवाज़ तो आ ही रही है, लेपर्ड है, मुझे लग रहा है कि लेपर्ड पीछे है, लेकिन गाइस टेंट के अंदर आ चुके हैं, कोई खतरा नहीं, बस ध्यान रखना है कि कैसी आवाज़ें आती रहे, अब हम टेंट के बाहर नहीं निकले किसी भी हाल में। अब बस सोते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई, डिनर बहुत लेट बना गाइस, पिज्जा बनाने में काफ़ी टाइम लग गया ना गुप्ता जी? बहुत टाइम लग गया मेरे भाई। चलिए गाइस बस अब अपना सोते हैं आराम से, नींद आ रही है भयंकर वाली, थक गए हैं। गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट। टाइम अभी 1:30 बजने वाला है, हम सो रहे थे, काफ़ी देर हो गई हमें। इधर से आवाज़ आ रही है पीछे से, और 5 मिनट से हम ऐसी आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत देर से हम दोनों जगह बैठे हुए आवाज़ सुन रहे हैं, पीछे से लेबर को रहा है, पीछे से 10-15 मिनट से आवाज़ आ रही है भाई, पीछे से आवाज़। गाइस हमने केवल अभी टॉर्च चलाई है, वो फोर्ट की फ्लैश, इसको ही बंद करते हैं और अपना चुपचाप लेटते हैं और देखते हैं। देखो गाइस इधर से आवाज है, लाइट को बंद करते हैं, बंद कर बंद कर, चुपचाप हम आराम से सोते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है गाइस, और रात नींद एक नंबर मस्त आई। बस आपको पता है कि बाहर लेपर्ड गुर्रा रहा था, लेकिन गाइस टेंट के अंदर थे, कोई खतरा नहीं था, दोनों थे, गुप्ता जी थे मेरे साथ। और देखिए सुबह का खूबसूरत नज़ारा, देखिए गाइस सनराइज हो चुका है, ये देखिए इधर से ही लेपर्ड था, इधर की साइड में ही गाइस, वो अब अपना उठ चुके हैं। टाइम काफ़ी हो चुका है गाइस, 8:30 बज गए हैं, क्योंकि विंटर के दिन हो रहे हैं, ठंड बहुत है, जल्दी से आँख नहीं खुली। और देखिए गुप्ता जी लगा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, सिस्टम जमा रहे हैं, बैग वैग पैक कर लिया है अपना, स्लीपिंग बैग सब कुछ रख लिया है अपने उठा के, बस अब अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं गाइस, और ब्रेकफास्ट बना के फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन ऐसी सर्दी में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मज़ा आ रहा है कॉफ़ी पीने में गाइस। और देखिए सुबह का कितना खूबसूरत नज़ारा है, पीछे सनराइज हो चुका है, बस अपना कॉफ़ी को ख़त्म करते हैं और अपना बैग पैक करते हैं यहाँ से, टेंट वेंट सब उतारते हैं और चलते हैं। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी नई एडवेंचर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।